नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में नवंबर माह के सीजन का आज का अंतिम सवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? ए तरुण गगोई, बी प्रफुल्ल कुमार महंत, सी गोपीनाथ बोरदोलोई या डी विष्णु राम मेढ़ी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया, उपहार पाने के बाद प्रतिभागियों ने कहा थैंक यू जीएस न्यूज। नवगछिया, छठ पूजा 2020 पर बेस्ट फोटो कंपटीशन का आयोजन जीएस न्यूज द्वारा कराया गया। बेस्ट फोटो कंपटीशन प्रतियोगिता के परिणाम की घोषणा के बाद 28 नवंबर एवं 29 नवंबर को नवगछिया के जीएस न्यूज ब्रांच ऑफिस में उपहार वितरण किया गया। उपहार वितरण के बाद प्रतिभागी ने उपहार प्राप्त करने के बाद जीएस न्यूज की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए साधुवाद दिया है। वहीं मौके पर प्रथम उपहार प्राप्त कर बभनगामा बिहपुर की पूजा कुमारी ने कहा कि वह विशाखापत्तनम में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रही है, लॉकडाउन के समय से ही अपने घर पर है। जीएस न्यूज को वह प्रतिदिन सुनती है और हर न्यूज से अपडेट रहती है। वह कहीं भी जाती है तो यूट्यूब व फेसबुक पर जीएस न्यूज से जुड़ी हुई रहती है। वहीं बेस्ट फोटो कंपटीशन के बारे में उसके मन में पहले से ख्याल था और उसने प्रतियोगिता में फोटो भेजा और उनका चयन प्रथम स्थान पर हुआ और उपहार में उन्हें मिक्सर ग्राइंडर मिला है। वहीं द्वितीय एवं तृतीय उपहार पाने के बाद कई चेहरे खिलखिला उठे। कुल 107 लोगों को उपहार के लिए सूचीबद्ध किया गया था, जिसमें 100% लोग कार्यालय पहुंचकर अपना उपहार प्राप्त किया है। वहीं इस कार्यक्रम में जीएस टीम के सभी सदस्य मौजूद थे। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। बाका में उड़ रही बिहार सरकार के नियमों की धज्जियां, बालू माफियाओं ने आर्केस्ट्रा कर खूब लगाए ठुमके। बिहार में लगातार कोरोना के नए नए मामले बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा लगभग 232,916 तक जा पहुंचा है। वहीं सरकार ने अपने सभी संस्थान को इसकी रोकथाम में लगाकर अपनी सारी ताकत झोंक दी है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पर्व त्योहार से लेकर शादी विवाह और श्राद्ध जैसे कार्यक्रम पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इसके बावजूद जिले में रात भर बार बालाओं से नृत्य कराकर समाज में अश्लीलता परोसी जा रही है, जो समाज को कुहरता के गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। आर्केस्ट्रा कार्यक्रम में बार बालाओं के डांस के दरमियान लोगों के मन से कोरोना का भय जाते रहा, फिर क्या सामाजिक दूरी और क्या मास्क उपयोग। इस दौरान कई युवक अपने अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव भी दे रहे थे, जिससे वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि शनिवार को बैकंठपुर चतुर्दशी की रात्रि में बांका थाना क्षेत्र के दो मुहान पंचायत के जलमड़े गाँव में बार बालाओं द्वारा नाच बालू माफियाओं द्वारा आयोजित करवाया गया था। बार बालाओं को बंगाल से लाया गया था और दर्शक के आसपास ग्रामीण के ही थे। अश्लील गानों पर नाच के दौरान जमकर ठुमके लगाए गए और इस दौरान मंच पर खूब नोट भी बख्शीश के तौर पर उड़ाए गए। नवगछिया के बैसी महाशमशानी उग्र कालिका मंदिर में मनाया गया देव दीपावली। स्वामी आगमानंद जी महाराज की असीम अनुकंपा एवं सौजन्य से महाशमशानी उग्र कालिका मंदिर बैसी जहांगीरपुर प्रखंड रंगरा स्थित काली मंदिर में देव दीपावली मनाई गई, जिसमें 5100 दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं इस भव्य देव दीपावली के आयोजन में बैसी जहांगीरपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, काली मंदिर देखरेख समिति के अध्यक्ष बिंदेश्वरी यादव, अवधेश यादव, उमेश भगत, सरपंच सुबोध सिंह, दामोदर यादव, पुजारी दिनेश झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। गोपालपुर मृतक कृष्ण कुमार पंडित के मोबाइल सीडीआर से खुलेंगे हत्या के राज।
मृतक कृष्णा कुमार पंडित के मोबाइल फोन के CDR से उसकी हत्या के राज खुलेंगे। बताते चलें कि शनिवार की सुबह सैदपुर पंचायत के गोड़ियारी गांव के स्वर्गीय छोटे लाल पंडित के छोटे पुत्र कृष्ण कुमार पंडित की हत्या कर सबको पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया गया। इस बारे में गोपालपुर थाने में मृतक के बड़े भाई वाल्मीकि पंडित ने गोपालपुर थाने में फोन से बुलाकर हत्या कर सबको पेड़ से लटका देने का मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया है। घटनास्थल के पास से मृतक का 2 मोबाइल साइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। गोपालपुर पुलिस इस मामले में वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर मामले की वैधानिक जांच कर मामले का उद्भेदन करने में जुटी है। थानाध्यक्ष इंजीनियर कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने बताया कि दोनों मोबाइल का CDR निकाला जा रहा है तथा उसके फेसबुक अकाउंट की भी जांच की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह किन किन लोगों के संपर्क में था। मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व मृतक के बड़े भाई वाल्मीकि पंडित ने उसे डांट डपट कर दोनों फोन छीन लिया था तथा फोन पर लड़की से बातचीत करने से मना कर दिया था। पुनः मोबाइल फोन उसे दे दिया था। हालांकि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में ही कृष्ण कुमार पंडित की हत्या होने की बात कही जा रही है। हालांकि हत्या के कारणों का सही पता पुलिसिया जांच के बाद ही चलेगा। नारायणपुर में पुआल लदा पिकअप में लगी आग, अनियंत्रित होकर घर पर पलटा, खड़ी ऑटो क्षतिग्रस्त। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के जीएन बांध 14 नंबर सड़क पर मध्य विद्यालय मथुरापुर बालक के पास नौगछिया की ओर से पुआल लदा पिकअप में लदे पुआल में अहले सुबह आग लगने से अनियंत्रित होकर पिकअप पलट गया। पलटने से श्रवण शाह, शंभू शाह, प्रेमलाल शाह का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, जबकि खड़ी ऑटो मोहम्मद बलई का आग की चपेट में आकर जल गया। ग्रामीणों के प्रयास से काफी मशक्कत पर घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आगजनी से कोई हताहत नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो नौगछिया की ओर से BR-10GA 3547 पर पुआल लदा हुआ था, जिसमें आग लगा हुआ था। आग लगता देख पिकअप चालक ने संतुलन खो दिया और पिकअप असंतुलित होकर घर पर गिर गया। धीरे धीरे आग पकड़ रहा था। श्रवण शाह अपने बच्चे के साथ चौकी पर सोया था। श्रवण ने बताया कि उसके छोटे पुत्र ने अचानक हंगामा कर बताया कि घर पर पिकअप पलटा है, जिसमें आग लगी है। तब हंगामा करने पर आसपास के लोगों के सहयोग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर सभी पक्ष आपस में समझौता करने के प्रयास में लगे हुए थे। नवगछिया, बिना मास्क के 78 लोगों को किया गया जुर्माना। वैश्विक कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नौगछिया पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर से सख्ती बढ़ा दी गई है। COVID-19 के गाइडलाइन को पालन कराने को लेकर पुलिस जिले में हर जगह मास्क चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। वहीं मास्क चेकिंग को लेकर SDO अखिलेश कुमार ने मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। रविवार को SP के निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान 78 व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के पकड़े गए। सभी लोगों से कुल 3900 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान 4 वाहन को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के मामले में 4000 जुर्माना वसूल किया गया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। नारायणपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रखंड स्तरीय सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर इकाई के द्वारा प्रखंड स्तरीय सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता जयप्रकाश महाविद्यालय नारायणपुर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें 1025 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें 515 छात्र और 510 छात्रा थी। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक पंकज कुमार यादव ने कहा कि इस परीक्षा परिणाम की घोषणा बाबा भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि पर किया जाएगा। मौके पर उपस्थित प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक राजेश पंडित, बिंदेश्वरी शर्मा, डॉक्टर सियाराम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद कुमार शर्मा, कॉलेज सहमंत्री ज्योतिष कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे।
ढोलबज्जा के कार्तिक मंदिर में 88 वर्षों से हो रही है पूजा अर्चना। ढोलबज्जा बाजार के कार्तिक मंदिर में हर साल कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन करीब 88 सालों से पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार व व्यवस्थापक राजकिशोर भगत ने बताया कि 1932 ईस्वी में मुक्त स्वरूप साहेब माधव बाबा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में सोमवार की शाम कार्तिकेय जी की प्रतिमा स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए पूजा अर्चना की जाएगी, जहां आसपास के दर्जनों गांव के लोग पूजा में शामिल होंगे। यहां पहले मेले का आयोजन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था, जो इस बार कोरोना काल को देखते हुए सिर्फ प्रतिमा स्थापित कर पूरा पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही ढोलबज्जा के इस कार्तिक मंदिर की एक विशेषता को बताते हुए कहा कि अब तक जो भी लोग बाजार में रंगदारी व धमकी देते हुए आपराधिक दृष्टि से इस मंदिर होकर गुजर गए हैं, उनका अंत भी हो गया है। बुधवार को प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। वहीं मंदिर के कोषाध्यक्ष मनोज यशपाल व सचिव अशोक जायसवाल भी विधि व्यवस्था में लगे हुए थे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने नवगछिया। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।